तो फाइनली दोस्त, ये देखिए आपका बीए प्रोग्राम का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, इसमें करें नकारात्मक और सकारात्मक संतक बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से लिखना है स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक की क्या अंतर है। देखिए यहाँ से लिख लेना आपको, पहला स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा, दूसरा आपको स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए सटीक आंसर लाए हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। देखिए पहला लिखना है पॉइंट, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का अर्थ है बंधनों का ना होना, अर्थात व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। पहला पॉइंट आपको ये लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, कानून स्वतंत्रता की रक्षा नहीं अपितु इसे नष्ट नहीं करते। तो देखिए आपको कर लेना है, बिल्कुल यहाँ से आपको दिखा दूंगा। ये देखिए स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा, ये है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा। देखिए आपको कर लेना है। अब देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप अनुलग्नित क्षेत्र से, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थिति। तो टोटल पांच इसके अंतर है, पांच नकारात्मक का पांच, सकारात्मक की आपको पांच कर लेना है। ठीक है,